Hello students, good morning. Today we start our lecture. Our next chapter is M and M the pattern. Students, ये जो story है किसकी है? एक चींटी और उससे बने एक pattern की. आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा ये story. Enjoy कीजिए, okay? इसमें जो characters हैं वो कौन है? हीना है और रोहित है और एक M. हीना, रोहित और एक एन, इसमें के इस स्टोरी के कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहले इस स्टोरी में क्या होता है? जो हीना होती है उसने क्या रखा होता है? एक इंक रखा होता है, इंक पॉट रखी होती है, इंक पॉट, ओके? और उसमें क्या होता है? उसमें ऑलरेडी पहले से इंक भरा होता है। तो जो उसका इंक पॉट होता है वो कहाँ होता है? टेबल पर रखा होता है। लेकिन जो इंक पॉट का लीड होता है वो कहीं खो गया होता है, उसे इंक पॉट की लीड मिलती नहीं है, तो वैसे ही रखा होता है। आती है और देखती है, उसे उस इंकपॉट में कुछ दिखाई देता है, मतलब कुछ छोटा सा मूव करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि इधर उधर होता हुआ। तो वो अपने भाई रोहित को बुलाती है और कहती है कि ये देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ चल रहा है, यानी इसमें कुछ मूव कर रहा है। तो वो दोनों एग्जैक्ट में देखते हैं, फिर कहते हैं हाँ ये जो रोहित है वो कहता है कि हाँ ये छोटे से इंसेक्ट जैसा दिख रहा है। अभी इस सबको कन्फर्म नहीं है कि वो कौन है, वो एंट है, लेकिन अभी वो थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो क्या बोल रहे हैं कि एक छोटे से इंसेक्ट जैसा दिख रहा है। तो उसके बाद फिर जो रोहित होता है वो कहता है कि हीना जाओ एक वाइट पेपर शीट लेके आओ। तो वो वाइट पेपर शीट लेके आती है और उसको क्या करते हैं, इंक पॉट के जस्ट बगल में रख देते हैं। उसके बाद जो वो चींटी है वो धीरे धीरे क्या होती है, बाहर आती है। और जब बाहर आती है तो वो ऐसे चलते हुए उस पेपर पे आती है। जब वाइट शीट पे इंक से इंक ब्लू कलर दिखेगा तो हाईलाइटेड होगा ही। तो वो चलते हुए क्या बनाती है, एक एलिफेंट का पैटर्न बनाती है। एलिफेंट का जब वो पैटर्न बना देती है वो इस तरीके से मूव करती है कि और कुछ नहीं क्या बनता, एक एलिफेंट जैसी आकृति बन जाती है। तो जो रोहित होता है वो बोलता है कि अरे ये देखो, दोनों साथ में देखते हैं, बोलते हैं अरे वाह ये तो एक ये जो पैटर्न बना है इसके चलने से इसके मूव करने से कैसा लग रहा है, एक एलिफेंट के जैसा लग रहा है। और वो दोनों इस आकृति को देख के काफ़ी खुश होते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी एंड पैटर्न, यानी कि एक चींटी के द्वारा एक बनाया गया पैटर्न। वो कैसा, वो पैटर्न कैसा था स्टूडेंट्स आप बताओ? वो पैटर्न एक एलिफेंट का बन गया था और वो बिल्कुल लुक लाइक अ एलिफेंट लग रहा था। तो ये हमारी स्टोरी फिनिश होती है यहीं पे। ये बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, बस वो टेबल पे इंक पॉट रखा होता है, फिर उस पे हीना को कुछ एक्टिविटीज दिखाई देती है, तो वो अपने भाई को बुलाती है। तो यही सब होता है। उसके बाद जो उस एंट के हेल्प से वो जो आकृति बनती है, पैटर्न बनता है, वो क्या रहता है, एलिफेंट का रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके चलने से जब, क्योंकि उसके पैरों में क्या होती है, उसके बॉडी पे पूरी इंक लगी होती है, इसलिए वो जब वाइट पेपर पे चलती है तो क्या पूरा ब्लू ब्लू सा जैसे जैसे वो चलती है उस तरीके की पैटर्न बनते जाता है, बनते बनते क्या बनता है, एलिफेंट का पैटर्न बन जाता है, ओके? तो ये थी हमारी स्टोरी। आई होप यू एंजॉय। अब हम आगे के वीडियोस में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, ओके? अच्छे से इस स्टोरी को पढ़ने